थाउजेंड यूनिट्स की बात करें। तीसरा हमने यहाँ पे पांचवा में हम प्राइवेट जैसे प्रोडक्टेशन बेसिस पर। अच्छा एक बात करिए कि होलसेल की प्रोडक्टेशन रिसर्चेस कंपेरेटिवली बहुत ज्यादा था, आपको प्रोडक्ट्स मिल जाते हैं, आपको ब्रांड अप्रूवल में मसला है, यहाँ पे कोई भी बहुत इजीली सिर्फ एक दिन में सीख के होलसेल की प्रोडक्टेशन कर सकते हैं। मगर प्राइवेट लेवल की प्रोडक्टेशन बहुत बड़े चुके हैं, क्योंकि जब हम प्राइवेट लेवल की बात करते हैं अपना ब्रांड जब आप बनाते हैं तो सबसे पहले तो आपको सोर्सिंग एक ऐसी जगह से करानी है जहाँ पर आप प्राइस आपको एक्सक्लूसिव जो कि कंपेरेटिव और आप दूसरों से कम्पीट कर सकते हैं। दूसरे जब आप प्राइवेट लेवल ब्रांड की बात करें तो आपको एक ऐसी प्रोडक्ट ढूंढनी है जो कि रैंकिंग कॉस्ट की बात कर रहा हूँ। अब फॉर एग्जाम्पल अगर आप शूज सेल करने चाहेंगे तो आपको नाइकी में बहुत ही कम कॉस्ट पर आपको शूज अवेलेबल होंगे, मगर अगर किसी भी सॉरी मैनुफैक्चर से आपको शूज बहुत कम कॉस्ट पर अवेलेबल होंगे फ्रॉम चाइना, मगर अगर आप अमेजोन पे बेचना चाहेंगे तो आपको ये भी देखना है कि जो टॉप के जो सेलर्स हैं उनके कितने रिव्यूज हैं, वो कितनी ज्यादा मार्केट कैप्चर की है। फॉर एग्जाम्पल अगर सबसे टॉप के ब्रांड्स बैठे हैं तो आप ब्रांड को कम्पीट नहीं कर सकते। तीसरा एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज के अमेजोन के अंदर अमेजोन खुद भी सेलर होते हैं, तो ये अराउंड 80% ऑफ प्रोडक्ट्स जो होलसेल किए हैं अमेजोन खुद सेल कर रहे हैं। अब ऑफकोर्स अगर अमेजोन खुद ब्रांड कॉल कर रहे हैं तो कोई ब्रांड अमेजोन को तो रिजेक्ट नहीं करेगा, और अगर अमेजोन खुद एक चीज को सेल करे तो वो आपको कभी भी उसके कॉम्पिटिशन में ऊपर नहीं आने देगा। 99% अमेजोन अपने कंपेटिटर को ऊपर नहीं आने देगा। ऑफकोर्स अमेजोन की मार्केट अमेजोन से ऊपर होगा, तो आपको उन प्रोडक्ट्स पे जाने जहाँ पे बहुत बड़े ब्रांड्स हैं और जहाँ पर अमेजोन खुद है। तीसरा लास्ट सेकेंड लास्ट पर पड़ेंगे फ्रीलांसिंग के। अच्छा फ्रीलांसिंग के बहुत सारे तरीके होते हैं, फ्रीलांसिंग के बहुत सारे चैनल्स हैं, आपके पास फाइबर है, आपके पास अपवर्क है, आपके पास लोकल क्लाइंट्स हैं, आपके पास फ्रीलांसर है, आपके पास गुरु है, आपके पास लिंक्डइन है, आपकी लिंक्डइन की प्रोफाइल को अगर करते रहेंगे उससे भी आपको क्लाइंट्स मिलेंगे, और लास्ट आपके पास फेसबुक है, आपके पास इंटरनेट ट्विटर है। तो चैनल्स आपके पास बहुत हैं, क्लाइंट हंटिंग आपको हर एक जगह पर करनी है। अगर आपको पहले फाइबर में क्लाइंट मिल गया वेरी गुड, नहीं मिल रहा बिल्कुल भी डिसअपॉइंट नहीं होना, मूव ऑन, आप नेक्स्ट पे जाओ, नहीं मिल रहा कोई बात नहीं, नेक्स्ट पे जाओ, बिल्कुल भी गिव अप करने नहीं है। आपसे दो महीने बाद इंशाल्लाह सब क्लाइंट हंट कर रहे होंगे, कोई ये नहीं बोले कि मुझे क्लाइंट नहीं मिले, क्योंकि पहले यूजर का माइंडसेट होगा मार्केट सैचुरेट हो ही नहीं सकती, क्योंकि हर महीने जितने ज्यादा सेलर डालते हैं उतना सर्विस प्रोवाइडर्स नहीं आ पा रहे जो क्वालिटी काम दे रहे हैं। तो आप अगर अपने काम को क्वालिटी लेवल का करेंगे तो आपके पास क्लाइंट लाजमी आएगा। थोड़ा सा सफर होगा, नसीब की दुआ करनी है, सबने मेहनत करनी है, मगर आपके पास क्लाइंट लाजमी आएगा। और हम जनरल लेवल में सिर्फ एक आइडिया देते हैं कितनी आपकी इनकम आ सकती है, तो आपको फर्स्ट क्लाइंट से अराउंड 200 to 250 डॉलर आप एक्सपेक्ट करें। अगर आपको कम पे मिले तो कोई मसला नहीं है, शुरू में अगर आपको कम पे काम करें आप कर लें, सिर्फ काफ़ी सब्जेक्टिव चीज, अगर क्लाइंट के पास उतने पैसे नहीं है तो आपको उसमें नहीं देने पाएगा, वो आपको 100 पे रखेगा, आपको 150 रखेगा, आप उस पर काम करें। इवेंचुअली जब आपको अपनी स्किल सेट का कॉन्फिडेंट है आप मूव ऑन करें, ऑन एवरेज अगर आपको 6 से 7 महीने लगा, अगर आपको बिजनेस की समझ है, अगर आप डिसीजन ले सकते हैं, अगर आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी हैं, तो आपका एक क्लाइंट 400 डॉलर चार्ज कर सकते हैं, और आप एक वक्त में अराउंड 4 to 5 क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं। अगर आप 9 to 5 काम कर रहे हैं, पार्ट टाइम काम करें, तो आप इजीली 7 to 8 क्लाइंट्स हैंडल कर सकते हैं। इसलिए भी मेरा है कि आप कोशिश करें कि आप 3 क्वालिटी के क्लाइंट्स को रखें, बाकी आपके पास एक टाइम ऐसा आएगा कि आपके पास इतने क्लाइंट्स होंगे आपको समझ नहीं आएगा। दोस्तों को अगर आप किसी को करा, मगर अपने पास 3 सबसे क्वालिटी के क्लाइंट्स रखो जो कि बड़ी हो, जिनके पास पैसे हो, जो कि आपको बार बार तंग ना करें, हर बात पर आपको कॉल ना करें, रिस्क टेकर जो थोड़े जिनको जिनको पता हो बिजनेस के तरीके से होता है, वरना अगर कोई भी उठकर आ गया 500 डॉलर की इन्वेस्टमेंट देंगे तो वो आपको 300 डॉलर कभी भी नहीं दे सकता। अच्छा दो बेसिक बिजनेस मॉडल हैं, इसके बारे में किसी का क्वेश्चन है कि FB और FBM क्या होगा, वरना आई अज्यूम कि आप सभी को पता लग जाए, समझ आ गया। ये बेसिकली अमेजोन को कंप्यूट करता है, मैं समझ रहा हूँ मतलब क्या कंप्यूट करता है, दूसरा कोई मसला नहीं। सीओर की प्रॉब्लम, अच्छा हमारे पास डिफरेंट बिजनेस मॉडल आ गए। एक तो अमेजोन प्राइवेट लेवल का भी नाम से ऑब्वियस है कि हम अपना प्राइवेट ब्रांड बना रहे हैं, अपना प्राइवेट लेवल, इसका मतलब अपना मतलब पीएल का ब्रांड बना रहे हैं। दूसरा अमेजोन होलसेल FBA, जब आप होलसेल करते हैं तो आप दूसरे ब्रांड्स को सेल करते हैं। FBA का क्या मतलब हुआ कि आप यहाँ पे फुलफिल्ड बाय अमेजोन मॉडल यूज करें, मतलब जो भी मेडिल हो गया 90% केसेस में आपको अमेजोन पर यूज होगा। ऑफकोर्स अगर आपके क्लाइंट का अपना वेयर हाउस है जो भी नहीं होगा ज़्यादातर उसमें, मगर अगर कोई बहुत ही बड़ी कंपनी जनरल
उनके पास होगा। उसके अलावा आपको सबका सब एफ डी ए बैठा है। एफ डी ए में आपको कुछ चीज़ें देखनी होती हैं, क्योंकि अमेजोन स्टोरेज फीस चार्ज करता है, आपको ये देखना है कि अमेजोन कितने टाइम बाद स्टोरेज फीस जाएगा, तो आपका जो इन्वेंट्री है वो उसी टाइम ड्यूरेशन के अंदर सेल हो जानी चाहिए। दूसरा आपको यहाँ पर ये भी देखना है कि अमेजोन एक एक्स्ट्रा फीस चार्ज करता है। अच्छा, तीसरा एक बिजनेस मॉडल अमेजोन ऑनलाइन ऑर्डर का, ये होलसेल टाइप का मॉडल है। मैं आपको होलसेल समझाता हूँ, होलसेल होता है आप किसी और ब्रांड को सेल कर रहे हैं। जब आप किसी और ब्रांड का अप्रूवल लेते हैं ना, तो बेसिकली ब्रांड जब आपको अप्रूवल देते हैं, मतलब है कि ब्रांड ये समझ रहा है, ब्रांड ये अज्यूम कर रहे हैं कि आप एक बहुत बड़ी कंपनी और आप एक बहुत बड़े सेलर हैं। तो उनका जो मिनिमम एमओक्यू होता है, एमओक्यू मीन्स मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी, ये मिनिमम कितना से आप जो है वो इन्वेस्टमेंट आप डाल सकते हैं। उनकी मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी 5,000-10,000 डॉलर होती है तकरीबन। वैसे नाइकी की जो मिनिमम ऑर्डर क्वांटिटी वो 20,000 डॉलर है, तो आपकी जो फर्स्ट इन्वेंट्री है यहाँ पर 20,000 डॉलर की है। और अगर अमेजन ऑनलाइन आर्बिट्राज में थोड़ा सा अलग होता है, इसमें ये होता है कि आपने बहुत ही छोटी अमाउंट ऑफ इन्वेंट्री ली। फॉर एग्जांपल, अगर आपकी शॉप है लकी मन में, आपने सदर से फॉर एग्जांपल ये माउस आप 15 रुपये के जाए और आपने थोड़े से प्रॉफिट मार्जिन एक्स्ट्रा किया, आपने वो लकी मन में बेच दिया, जो कि सबसे ज़्यादा ये वाला बिजनेस मॉडल हमारे यहाँ पर फॉलो हो रहा होता है कि आप कहीं से भी माल लेकर आते हैं थोड़ा सा सस्ते में, सदर से किसी मार्केट से आप थोड़े से कम पैसों में जाए, किसी बड़े मॉल में आप बिल्कुल सेम चीज़ आप देखते हैं, थोड़ी एक्सपेंसिव भी होती है, वो यही होता है कि बिल्कुल सेम चीज़ होती है, मगर आप थोड़ा सा एक्सपेंसिव करके देखते हैं। अब अगर कोई ये क्वेश्चन पूछे कि अगर जब कहीं और बेसिक सस्टम मिल रही है तो कस्टमर वहाँ से क्यों नहीं बाय करेगा, ये बिल्कुल ये क्वेश्चन बनता है। ये क्वेश्चन आपको अपने आप से पूछना चाहिए कि जब सेम चीज़ सदर में बहुत ही सस्ते मिल जाए तो आप क्यों जाके बड़े मॉल से और बड़े ब्रांड से खरीदते हैं। इसलिए क्योंकि हम लोग जो है, हम लोग अपना ईज ऑफ बाइंग देखते हैं। जिसके पास 5,000 डॉलर होंगे उसको सिर्फ $2 के फर्क से वो अपनी कंफर्ट लेवल को बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं करेगा। वो ये चाहेगा कि बस सबसे ज़्यादा कम्फर्टेबली उसकी शॉपिंग हो जाए, लेकिन जब हम सारी चीज़ हो जाए लेस ज़्यादा ना हो। अमेजोन बिल्कुल इसी टाइप की मार्केट है। अमेजोन आपको कस्टमर को इतने इंसेंटिव ऑफर करती है, अगर आप एक शर्ट लें अमेजोन से तो आप उसको 15 डेज तक पहन सकते हैं, उसके बाद रिटर्न भी कर सकते हैं और सेलर से कोई ऑब्जेक्ट नहीं कर सकते। ऑफकोर्स ये पाकिस्तान में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने सारी चीज़ अभी उसे बायर्स है, अभी उसे सेलर, हम लोग दराज में जब काम कर रहे हैं तो हम लोग सिर्फ कॉम्पिटिशन में अपनी प्राइस को अपने प्रॉफिट मार्जिन से नीचे गिरा देते हैं। तो ये काफ़ी इशूज हम दराज में थोड़ा सा एक्सप्लोर करेंगे लेटर इन द कोर्स। मगर मैं आइडिया दे रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो मार्केट है वो बहुत ही अब्यूसिव मार्केट है। जब आप बाहर के क्लाइंट से बात करें, आप बाहर के क्लाइंट से डीलिंग कर रहे हैं, तो आपको अंदाजा होता है कि अच्छे इंसान होते हैं, अच्छे मुसलमान कौन है। अच्छा, चौथा बिजनेस मॉडल अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है। ये एफबीएम एक काफ़ी डिफरेंट सा बिजनेस मॉडल है और ये बहुत रिस्क फ्री बिजनेस। ड्रॉप शिपिंग बेसिकली होता है कि मेरे पास एक ऑर्डर आया, मेरे पास अपफ्रंट कोई इन्वेंट्री नहीं पड़ी, मगर मुझे पता है कि यहाँ से ये माल सस्ते में मिल जाएगा। मुझे एक शू का ऑर्डर आया ऑनलाइन स्टोर पर, यार 3,000 के लिए शूज़ का ऑर्डर चाहिए, मेरे पास अपफ्रंट मेरे घर में कुछ भी नहीं पड़ा हुआ, मगर मुझे पता है लाइट हाउस में सेम जूता 1200 का मिल जाएगा। मैंने लाइट हाउस में अपने सप्लायर को कॉल करके बोला कि ये 1200 का जूता मेरे कस्टमर को भिजवा दो और इससे आप 3,000 चार्ज कर दें, आप अपने 1200 रखें और बकिया जो मेरा अकाउंट में ट्रांसफर कर दें। तो सामने जो आपको दिख रहा है उसमें आपको कोई अपफ्रंट इन्वेंट्री नहीं खरीदनी, तो ये बहुत रिस्क फ्री बिजनेस है। और ऑफ कोर्स अगर आपके पास इन्वेस्टमेंट नहीं है तो आप उसका स्टार्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर पहले बायर के पास से अमाउंट आ रहा है उसके बाद अगर आप ऑर्डर प्लेस कर रहे हैं तो आपको कोई इशू नहीं है इन्वेस्टमेंट का। तो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग का बहुत ही वाइडली फॉलोड बिजनेस मॉडल है और पाकिस्तान में तो जो एक्सट्रीम कॉमर्स के दूसरे डिस्ट्रीब्यूशन है उसके डॉट्स नहीं करते, मगर बाहर जो हो रहे हैं वो अमेजोन ड्रॉप शिपिंग बिजनेस मॉडल का बहुत ज़्यादा फॉलो करते हैं। और इनफैक्ट ऐसे ऐसा काम से जो कि पर मंथ 60-70,000 डॉलर का नेट प्रॉफिट से अमेजोन ड्रॉप शिपिंग से जनरेट कर रहे हैं। तो हम लोग जिन दो को एक्सप्लोर करेंगे, जिन भी ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे, वो अमेजोन होलसेल एफबीए है, अमेजोन ऑनलाइन आर्बिट्राज है, अमेजोन ड्रॉप शिपिंग है। अब मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल दिखा रहा हूँ कि अमेजोन होलसेल एफबीए और अमेजोन प्राइवेट लेबल में फर्क है। सबसे पहले तो अगर हम लोग अमेजोन खोलें, ये amazon.com है। अच्छा, एक बात और याद है कि amazon.com इज फॉर US। amazon.com जो होता है US के लिए होता है, amazon.ca कनाडा की एक्सटेंशन है, amazon.co.uk जो है UK की एक्सटेंशन है। इस तरीके से amazon की डिफरेंट मार्केट प्लेस है, amazon.in इंडियन एक्सटेंशन है। तो आपका क्लाइंट अगर UK
यूके की प्रोडक्ट्स की बात करें तो आप amazon.co.uk पर जाकर ढूंढेंगे। अगर कोई यूएस से फ्रेंड है तो आप amazon.com पर सर्च करेंगे, और अगर कैनेडियन है तो ऑफकोर्स आप amazon.ca पर जाकर सर्च करेंगे। एक्सपेंसेस आपको याद रखनी है, इतना कोई इशू नहीं है, हमें आपको याद रखेंगे। अगर हम कभी प्राइवेट लेबल प्रोडक्ट की बात करें तो प्राइवेट लेबल हमेशा वो प्रोडक्ट होती है जिसमें सिर्फ एक अकेला सेलर सेल कर रहा होगा। क्यों सेल कर रहा होगा? क्योंकि उसका अपना ब्रांड है, वो किसी और को अलाउ नहीं करेगा कि वो सेम प्रोडक्ट आगे सेल करे। इसी की वजह से अगर आप यहाँ पर देखें तो सेम प्रोडक्ट जो है तकरीबन सेम प्रोडक्ट आपको डिफरेंट सेलर से मिल रहे हैं। मगर अगर आप कस्टमर का माइंड सेट देखें, अगर आप खुद अगर आपके कस्टमर हो तो आप सबसे पहले बिल्कुल फर्स्ट पेज पर जाकर आप जो भी गाड़ी का सेलेक्ट करें वहाँ सेलेक्ट कर लीजिए। ऑफकोर्स अगर आपको सिर्फ चार में अच्छी प्राइस मिल रही है तो आप इसी को ही क्लिक करके ध्यान से जाकर बाय करें। अगर आप इस पर क्लिक करें तो आप यहाँ से देख सकते हैं कि यहाँ पे कोई भी सेलर नहीं है, सिर्फ एक सेलर है, सिर्फ एक सेलर है। और अगर आप इसका नाम देखें तो इसका नाम है जुले किचन स्टोर, एक ब्रांड है और ये अपनी जो गाड़ी प्रेस है वो सेल है। ऑफकोर्स ब्रांडिंग का मतलब हमेशा ये नहीं होता कि यहाँ पे जुले का स्टिकर छपा हुआ है, मगर ये लिस्टिंग इसको हम पूरे इस पेज को लिस्टिंग कहते हैं, ये लिस्टिंग इसकी है। यहाँ पे भी हम देख सकते हैं टूल है, यहाँ पे पता लगे कि यहाँ पे सिर्फ एक सेलर है जो कि FBA कर रहा है, मतलब जो ब्रांड है वो इटसेल्फ अपना FBA कर रहा है। इसका मतलब ये है कि ब्रांड ने अपनी सारी इन्वेंट्री Amazon के वेयर हाउस भिजवाई हुई है और ये वहीं से ही अपनी शिपमेंट को शिफ्ट करता है। दूसरा अगर हम देखें होलसेल प्रोडक्ट को तो वही कॉक सर्कल आ गया। कॉक सर्कल खुद में एक ब्रांड है और यहाँ पे देख सकते हैं इसको अराउंड 20 सेलर्स बेच रहे हैं। अगर आप देखें तो ये डिफरेंट सेलर्स हैं और ये बेसिकली होलसेल कर रहे हैं। 24 ये आपका एक एपिक सर्कल है जो कि एक सेलर है और ये शिप कर रहे हैं amazon.com से, तो उसका मतलब ये FBA कर रहे हैं, इसकी जो फुलफिलमेंट है वो amazon.com खुद कर रहे हैं। ऐसे आपके पास एक ये सेलर है जो कि सोल्ड बाय द इंग्रेविंग है और ये शिप फ्रॉम ही द इंग्रेविंग, ऐसा मतलब है कि ये सेलर फुलफिल्ड बाय मर्चेंट कर रहे हैं, इसका मतलब ये खुद सेलर है और ये अपने ही पास से इसको शिप कर रहा है। कोई क्वेश्चन? ये आपको दो प्रोडक्ट्स पता लगे, ये एक Amazon होलसेल की प्रोडक्ट है जिसमें मल्टीपल सेलर्स हैं और ये आपके पास एक Amazon PM की प्रोडक्ट है जिसमें सिर्फ एक सेलर है। इसकी जो भी सेल्स है अराउंड 7,300 सेल्स के, सारी की सारी सिर्फ एक सेलर जो है वो ले रहा है। जहाँ पे जो सेल्स है अराउंड 688 सेल्स, ये मल्टीपल सेलर्स आपस में डिवाइड कर रहे हैं। अच्छा, ये आप याद रखें कि ये हमारे पास जो है ये बायर अकाउंट होता है, यहाँ से आप जाके बाय करें कस्टमर से। अगर हम एक सेलर अकाउंट की बात करें आपको जो क्लाइंट का अकाउंट मिलेगा वो आपको ये क्लाइंट का अकाउंट मिलेगा, ये आपके पास एक क्लाइंट का अकाउंट है। आपके पास ये Amazon सर्विस सेंटर होगा, ये आपके पास कैटलॉग होगी, वेट ऑर्डर्स, इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, प्राइसिंग के लिए, ऑर्डर्स के लिए, ये आपके पास जितना आप स्टोर पे काम कर रहे हैं वो होगा। यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन होगा कि आपके पास अच्छा एक बात ये सबसे पहले आपको क्लाइंट एक क्वेश्चन पूछते हैं, एक क्वेश्चन ही क्लाइंट पूछते हैं। अगर वो सबसे बिल्कुल पहले नया नया अकाउंट बोलते हैं कि आप मुझे बताओ कि मैं आपको एक्सेस कैसे दूंगा, आपको ये कैसे बनाए, तो आप उसे कहते हैं सेटिंग्स में जाओ, यूजर परमिशन में जाओ और आप यहाँ पे ना मुझे मेरा नाम लिखे, मेरी ई मेल लिखे, आप मुझे यूजर परमिशन। अब ये क्लाइंट उसमें काफी बोलते हैं उसमें मेरी बात नहीं किया कि मैं इसकी यूजर परमिशन, मगर इन जनरल क्लाइंट आपका जो सेलर सेल्स जिसके पास सेलर अकाउंट होते हैं ये उसी के बाद ये ऑप्शन होता है कि दूसरों को यूजर परमिशन, फिर दूसरों को अपने अकाउंट का एक्सेस दे। तो ये सेलर अकाउंट है और ये बायर अकाउंट है। आपको जिस बारे में मिलेगा आपको Amazon यहाँ मिलेगा, आपको Amazon सेलेक्ट सेंटर मिलेगा, सारा काम आपको यहाँ से होगा। अब नेक्स्ट स्टेप ये मैंने फिर से बात करी थी इसके बाद, इससे पहले मैंने इसके बारे में बात करी थी, फिर से बात कर लेना फ्रीलांसिंग की कुछ स्टेप्स। अच्छा, सबसे पहले क्वेश्चन आपने पूछा था कम्युनिकेशन का कि अगर हम किसी और से अपनी कॉल करवा लें तो बहुत सही है, मैं उसको रिकमेंड नहीं करूँगा क्योंकि आपको उसको इतना कॉन्फिडेंट होना चाहिए तो इस स्टेप को लेकर आप उनसे बात करें। और अगर आपको ये मसला है कि कोई और इंग्लिश में बात करें तो ये बिल्कुल भी ध्यान रहे, हाँ अगर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसी नीच है जिसके अंदर आपको समझ नहीं है, आपके नॉलेज नहीं है। फॉर एग्जाम्पल क्लाइंट कह रहे हैं कि आप मार्केटिंग का मुझे चाहिए, मगर आपके पास नॉलेज नहीं, आप उसकी किसी ऐसे बात करवा दें जिसको मार्केटिंग नहीं होगी, मगर सर इसमें कि चूंकि उसकी इंग्लिश अच्छी मेरी नहीं है, तो आई थिंक अगर आप फ्रीलांसिंग करें तो आपको अपनी इंग्लिश को बेहतर करना होगा। अगर आपको इंटरनेशनल क्लाइंट से डील करना है तो आपको अपनी कम्युनिकेशन को, आपको अपनी इंग्लिश को बेहतर करना होगा। कोशिश में एक बार फिर से कीजिए, मैं ये फिर से दे दूँ,
कि आप कोशिश करें कि अगर क्लाइंट आपको फाइवर पे मैसेज करे, अपवर्क पे मैसेज करे, अगर आपको क्लाइंट की साइट की समझ आ रही है तो आप क्लाइंट को उस प्लेटफॉर्म से, चाहे वह फाइवर अपलोड तो आप उसको वहाँ से पकड़ लेते हैं। आप उसके साथ अपना नंबर शेयर करो, आप उसको जूम मीटिंग में बुलाओ, आप उसको कन्विंस करो कि आपसे कॉल पर बात करें। अगर आपसे कॉल पर बात करेगा तो आप दूसरे दिन के नाम से उसने कॉन्टेक्ट किया, आप उन सबसे ज़्यादा आगे हो, क्योंकि अब आपको आपका नाम से जान जाएगा, उसको आपकी आवाज़ पता होगी, उसको आपकी शक्ल भी पता होगी, तो आपसे बहुत ज़्यादा फैमिलियर हो जाएगा। अगर कोई क्लाइंट आपके व्हाट्सएप पर आगे तो बहुत चांसेस हैं, ऐसा मेरे साथ कभी जब कोई क्लाइंट व्हाट्सएप पर उसको लेकर आना उसने कभी मना कर दिया, क्योंकि अब बाकी क्लाइंट उसको नहीं ले, बाकी फील आप उसको नहीं लेकर आ पाते। हम ले आते हैं जब हमारे नाम से लेकर बात करने लगते हैं तो उसको हमें जॉब देना जो रिफ्यूज भी वो नहीं कर पाते, क्योंकि लोग बहुत अच्छे होते हैं। आप उसका एडवांटेज होता है कि लोग बहुत अच्छे होते हैं, इनसे घूमने मना नहीं किया जाता अनलेस आपको इतना बुरा काम करें, तो ऑफकोर्स आप उसके जहाँ तक आकर छोड़ेंगे वो आपको मजबूर हो जाएगा, वो आपको ही जाना चाहते हैं। वो इसी तरीके से होता है क्योंकि नंबर वन पॉइंट के आपसे ज़्यादा स्किल्ड लोग हमेशा होंगे दुनिया में ऑफकोर्स, और आपसे अगर वो सस्ते में काम भी करते हैं, हमारे पास जो बांग्लादेशी हैं इंडियंस हैं वो आपसे बहुत कम प्राइस पर काम करने को हमेशा अग्री होंगे, तो एक डॉलर हजार पे भी फिलिपींस से अग्री होते हैं, तो हमें उस लेवल में अपने आपको नहीं आना, हमें अपना एक स्टैंडर्ड रखना है और हमें उसी पर ही जाकर रैंक को ढूंढना। अगर हम आपस में जो है वो कॉम्पिटिशन के लिए सिर्फ एक एक डॉलर बढ़ाते जा रहे तो पूरी मार्केट जो है वो बिगड़ जाएगी। मेरी कोशिश ये होगी कि आप लोग अपर पे स्टार्ट करें $2-4 पर आर पे, मगर अपना टारगेट सेट करें कि आप $10 पर आर पे जाएंगे इन 4-6 महीने। कोई मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह, $10 पर आर इतना ज़्यादा कोई मुश्किल नहीं, बैंक भी आपको बड़ी कोशिश कर देता है अगर आपके अकाउंट पर रिव्यू अच्छा है, अगर आपने किसी का प्रॉफिट करवाया हुआ है। एक और चीज कि अगर आप फ्री लांसिंग कर देंगे, ये जो 2 महीने इसको सिर्फ कोर्स के तौर पे नहीं लो, इसको लगे ये लाइफ चेंज करने वाले, तुम्हारा सोर्स ऑफ इनकम चेंज होने वाले, तुम सेल्फ एम्प्लॉयमेंट की तरफ जाने वाले। अगर यहाँ पे कोई बोले जो कि सीएस करना चाह रहे गवर्नमेंट जॉब उसका बोल रहे तो वो बिल्कुल एक अलग बन, मगर अगर कोई एंटरप्रेन्योर बनना चाह रहे हैं, किसी के माइंड में ये है कि उसको एंटरप्रेन्योर बनना है, उसको 9-to-5 से बाहर आना है, रूल से बाहर आना है, सेल्फ एम्प्लॉयड होने, तो उसको एक बात याद रखनी चाहिए कि जहाँ पर आपका जो कॉम्पिटिशन होगा पूरी दुनिया से कॉम्पिटिशन होगा, फाइबर पे 50,000 लोग हैं और हर कोई बेहतर से बेहतर स्किल मिल सकते हैं। अपने आप को अपस्किल करना नहीं चाहिए, पहला क्लाइंट मिल जाए इसका मतलब ये नहीं है कि आज 300 अगर आ गए तो बस बहुत हो गया, हमने सफल सक्सेसफुल होगा, बिल्कुल नहीं। कोई भी यहाँ पर नहीं कह सकते कि हम सक्सेसफुल हैं, क्योंकि हमसे ऊपर बैठा है। अगर आप पहला हज़ार डॉलर बनाओगे आपको $5,000 की जरूरत होगी, या 5,000 बनाओगे आपको 10,000 की जरूरत होगी, क्योंकि आपके सामने आपको वो बंदा दे जाएंगे तो कितोगे 10,000 बनाओगे। अपने आप को हर वक्त स्केलर करते रहो, अपने आप को हमेशा अपस्किल करते रहो, इन टर्म्स ऑफ मनी भी जो कि सरकार करोगे वो नसीब का होता है, पैसा मतलब नसीब का होता है, मगर इन टर्म्स ऑफ स्किल भी अपने आप को हमेशा अपस्किल करते हैं। अगर FBM के आप एक्सपर्ट हो गए तो FBA के एक्सपर्ट हो, अगर ड्रॉप शिपिंग के एक्सपर्ट हो तो प्राइवेट लिमिटेड, अगर अमेज़न के एक्सपर्ट हो गए तो Shopify के। इनकी एंड क्लाइंट जो कि सिर्फ एक इन्वेस्टर है, जो कि बिजनेसमैन है, उसके बाद में $50,000 उसको नहीं पता क्या करें, सिर्फ उसको उसका ROI चाहिए, वो आपके पास आया उसको इतने बिजनेस मॉडल बता दो कि वो कहीं और जाए ना, अब अपने आप को इतना बड़ा ऑलराउंडर बना लो कि वो कहीं और जाए ना, तो अपने आपको हर चीज़ का एक्सपर्ट करो, जरूरी नहीं कि सिर्फ लास्ट में सीखो, सिर्फ बस वही नॉलेज होनी चाहिए, यूट्यूब पर जाकर एक्सप्लोर करो, फेसबुक के ग्रुप पर जाकर एक्सप्लोर करो, इतना एक्सप्लोर करो कि जब क्लाइंट उनसे बात करे तो उसको समझ आ रहा है यार इसके अंदर हारो, उसको टर्मिनोलॉजी के ऊपर खेलो, उसको इस बात के ऊपर खेलो कि यार हमारे पास जो ऑडिट इफेक्ट रेट होता है वो 1% से मिनिमम होना चाहिए, उसको टेक्निकल टर्म्स के ऊपर खेलो कि यार अमेजोन जो है वो 15 अप्रैल के बाद वेजिटेबल्स को सेल करना अलाउ नहीं करता। जब क्लाइंट के दिमाग में ये प्रेशर जाएगा कि आपको एक टेक्निकल टर्म्स पता है तो क्लाइंट मजबूत हो जाएगा कि वो आपको काम करें। एक और सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मैं बोल रहा हूँ कि सब ऑलराउंडर बन जाओ, मगर कोई ऑलराउंडर बन नहीं सकता, क्योंकि अमेजोन के अंदर अवेयरनेस है, अमेजोन के अंदर मार्केटिंग है, अमेजोन के अंदर रैंकिंग है, अमेजोन के अंदर प्रोडक्ट रिसर्च है, अमेजोन के अंदर रजिस्ट्रेशन है, 8-10 अमेजोन के अंदर अवेयरनेस है। एक बंदा सबका ऑलराउंडर या एक्सपर्ट नहीं हो सकता, अपने आप को स्किल करो, साथ में लड़का पढ़ो जो कि किसी और स्किल का एक्सपर्ट हो, और पार्टनरशिप करके अपनी एजेंसी बनाओ, सबसे बेस्ट मेथड टू गेट। मगर अगर हमारे पास एक ऐसा काम है जिसके तुम एक्सपर्ट नहीं हो, तो सिर्फ एक बेसिक्स आइडिया, फॉर एग्जाम्पल तुम प्रोडक्ट रिसर्च के एक्सपर्ट हो रहे हो मगर तुम्हें रैंकिंग या मार्केटिंग नहीं आती, और क्लाइंट को रैंकिंग और मार्केटिंग करवानी है, क्लाइंट को रिफ्यूज नहीं करे, तो जब क्लाइंट एक पैसे के पास चला जाएगा उसको प्रोडक्ट रिसर्च भी आते और मार्केटिंग भी आते, काम को कभी भी रिफ्यूज नहीं करें, अब आपको काम करवाना आना चाहिए, आपको अपनी कम्युनिकेशन स्किल्स करते हैं, आप क्लाइंट से काम पकड़ लो, क्लाइंट आपको डॉलर्स में पेमेंट करेगा, आप यहाँ पर पाकिस्तान में किसी से PR में काम करवा दो, अक्सर हमारे पास क्लाइंट होलसेल की वेबसाइट में बात है,
हमें हम क्लाइंट को 200 से 300 डॉलर पे तोड़ देते हैं कि आप 300 डॉलर चार्ज करेंगे, यह फंक्शन है सब चीज़ें। क्लाइंट अक्सर इसमें अग्री हो जाते हैं क्योंकि यूएस में एक वेबसाइट बनाने के लिए 500,000 डॉलर चाहिए हमें, उसके लिए हम लोग काफ़ी चीप रेट्स पे काम करते हैं। जब वो हमें पैसे बताते हैं अगर हमें उस लेवल की वेबसाइट नहीं बनाना, हम पाकिस्तान से भी बच्चा हाई कर लेते हैं 10,000 रुपये में, बिल्कुल सेम काम कर लेते हैं और बाकी सारा हमारी देते हैं। तो कहने का मकसद ये कभी भी रिफ्यूज ना करो, आपको अपने माइंड को ट्रेन करना है कि किसी भी काम को जल्दी रिफ्यूज नहीं करना, अपने आप को इतना एक्सपर्ट बनाना है कि यार मैं काम नहीं करूँगा, और दूसरा हर किसी को अपनी पब्लिक के लिए अच्छी लगेगी, लोगों से काम नहीं करवाना सीखो, लोगों से काम नहीं करवाना सीखो, लोगों से बात करना सीखो, चाहे वो इंटरनेशनल टाइम से उनसे भी काम नहीं करवाना सीखो, चाहे वो सोर्सिंग पे जो है मैन्युफैक्चरर से बात करते हैं तो वो भी आपको तो क्या कह रहा था वो भी आपको बोलेगा कि अभी माल रेडी नहीं है 10 दिन बाद है। आपको शुरू में प्राइस बनाएगा क्या 1,000 यूनिट्स की 2 डॉलर पर यूनिट प्राइस है, मगर आपको 15 दिन बाद कहेगा कि यार डोर टू डोर जो प्राइस की वो तो 3 डॉलर की बात है। तो आपको जो मैन्युफैक्चरर है वो भी आपको बोलेगा, जब आप बिजनेस मैन होते हैं तो जब आप एंटरप्रेन्योर होते हैं, जब आप एक एंटरप्रेन्योर का पूरा बिजनेस संभालते हैं तो आपको इतने पॉइंट्स पे लोग जो है वो तोड़ने की कोशिश करते हैं, आपको आइडिया देंगे, आपके जहन में भी नहीं होगा कि आपको काम करेगा, आपको इतनी मैक्सिमम बार्गेनिंग करनी है हर जगह पर, आपको इतनी मैक्सिमम डीलिंग करनी है हर जगह पर, क्लाइंट आपको बोले कि इस बंदे ने मेरे से इन्वेंट्री खिंचवाने की 5,000 डॉलर पर की सेविंग करनी है। अच्छा अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे हम कौन कौन से टूल्स को हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। नंबर वन हमारे पास कीपा है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, नंबर सेकंड में हमारे पास जनरल साउंड है जो कि हम लोग यूज़ करते हैं, नंबर थर्ड पे हमारे पास एम पी स्प्रे है वही चीज़ें फ्री है। अब मैं थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन देता हूँ कीपा का, कीपा यहाँ पे अच्छा आप मैनुअली भी प्रोडक्ट इसलिए सारे प्रोडक्ट रिसर्च के टूल्स हैं या कीवर्ड रिसर्च के टूल्स हैं। प्रोडक्ट रिसर्च क्या होगी, कौन सी प्रोडक्ट आपको सेल करनी है, होलसेल में आप कौन सी प्रोडक्ट सेल करोगे जो कि अच्छी सेल हो रही है, जहाँ पे अमेजोन खुद नहीं है क्योंकि अमेजोन को आप कम्पीट नहीं कर सकते, जहाँ पे ब्रांड नहीं है क्योंकि ब्रांड जब खुद एक लिस्टिंग है तो आपको जो है वो अलाउ नहीं करेगा कि आप वहाँ पर इतनी ईजिली आप ब्रांड को कम्पीट करो, ब्रांड जनरली अलाउ नहीं करता, इन अनयूजुअल केसेस अलाउ करते हैं, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल ये कॉर्क सर्विस ब्रांड है पर यहाँ पे इसकी ऑफर है ब्रांड खुद भी जाकर उसका सेल करें, मगर ब्रांड हमें इतना अलाउ कर दिया कि हम खुद भी जहाँ पर जाए वो सेल करें। इनफैक्ट अगर आप देखें लाइन टेलर एल एल सी ये वही एल एल सी जो कि हम लोग यहाँ पर बात करें, तो ये जैसे कि हमारी अपनी प्रोडक्ट है जो कि हम लोग सेल कर रहे हैं। ये बेसिकली टूल आपका कीपर ही आपकी प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज होता है, ज़्यादातर आपकी होलसेल प्रोडक्ट रिसर्च के लिए यूज होता है। दूसरा आपका जो टूल है जंगल स्काउट या आपकी सेल्स एस्टिमेशन वगैरह के लिए यूज होता है कि आपकी सेल्स अगर आपको एस्टिमेट करनी है, आपको अगर डिस्टिंग बनाना है, हम हर टूल को इंडिविजुअली एक्सप्लोर करेंगे, सिर्फ ओवरव्यू में ये सही इस्तेमाल करें। एम जी स्टेबल आपके लिए ड्रॉप शिपिंग की प्रोडक्ट रिसर्च के लिए होता है, ड्रॉप शिपिंग क्या होती है कि आपके पास कोई ऑर्डर आ रहा है, आपके पास अपफ्रंट कोई इन्वेंट्री नहीं है, आपने कहीं और से माल लिया और भेजा है। अब अमेजोन पे क्या होता है, अमेजोन पे डिफरेंट सप्लायर है आपके पास, अमेजोन पे एक जो ये वाली प्रोडक्ट है ये 100 डॉलर की मिल रही है, सेम प्रोडक्ट वॉलमार्ट पे 70 डॉलर की, लोग अमेजोन को प्रेफर करते हैं क्योंकि अमेजोन की बाय मार्केट बहुत बड़ी है, अमेजोन पे ज़्यादातर लोग आगे बाय करते हैं क्योंकि उनके कस्टमर के जो स्टैंडर्ड्स हैं वो बहुत अच्छे, कस्टमर सर्विस बहुत बेहतर है एज कम्पेयर टू कोई भी दूसरा सप्लायर। अमेजोन पे एक प्रोडक्ट 100 डॉलर की है, वॉलमार्ट पे एक प्रोडक्ट 70 डॉलर की, आपके पास एक अमेजोन पे ऑर्डर आया आपने अपफ्रंट कोई भी मटेरियल नहीं, आपने वही ऑर्डर वॉलमार्ट के कस्टमर का एड्रेस डाल दिया यार ये वाला सेम प्रोडक्ट कस्टमर के घर, कस्टमर को कोई टिकट नहीं है कि ये वॉलमार्ट की पैकेजिंग आई है अमेजोन की, एज लॉन्ग एज के पास प्रोडक्ट आ गया तो बीच में जो मार्जिन आ गया वो आपके पास बच गया। इसी तरीके से बहुत सारी ऐसी प्रोडक्ट होगी जो अगर उसके बाद वॉलमार्ट की पैकेजिंग में जाता है तो नेक्स्ट टाइम वहाँ तक नहीं आएगा, नेक्स्ट टाइम हमारे पास नहीं आएगा क्योंकि उसको तो पता चलेगा वॉलमार्ट की तरह नहीं, ये वाली बात सही उसको पता चलेगा, मगर कस्टमर के दिमाग में जो है वो ये नहीं होता कि यार ये कौन सी वाली पैकेजिंग आए 90%, इसमें एक इशू होता है हम बहुत डिटेल में डिस्कस करेंगे, वॉलमार्ट एक बहुत बड़ा इशू है क्योंकि वॉलमार्ट की पैकेजिंग में अमेजोन को मसला होता है, अमेजोन इसको सस्पेंड कर देता है और री इंस्टेशन भी इंक्लूड होते हैं, मतलब जैसे बागीना में दराज कर रहा तो वहाँ पर वॉलमार्ट होगा ऐसा ही होगा। और यार हमारे पास दराज तो है, दराज हमारे पास अमेजोन का बिजनेस मॉडल क्योंकि दराज बेसिकली सिर्फ एक ऑनलाइन स्टोर है, अभी अमेजोन गो मेरे पास से इंट्रोड्यूस है, मगर अमेजोन की फिजिकल स्टोर की प्रेस क्योंकि वॉलमार्ट बेसिकली फिजिकल स्टोर सबसे बड़ी चेन है, दराज जो है वो भी इस तरीके से ऑनलाइन मार्केट प्लेस है, बिल्कुल सेम है अमेजोन,
इनफैक्ट जनाब जो है बहुत अली एक्सप्रेस का ही आई एस अच्छा चौथा हमारे पास स्टूडेंट हो गए जीनियस ये हम लोग रेस्टिंग के लिए यूज करते हैं और जो हमारे पास और किसी के बारे में क्वेश्चन से रिलेटेड अपने आप से रिलेटेड अपने जो बोल्स हैं अगर आप उसको अलाइन करें विद व्हाट यू आर गोइंग टू डू तो अगर आपको की लग रहा है कि आपको टाइम आप नहीं दे पाएंगे फिर जो भी आपकी डिग्री है जो भी आपकी आप उससे बता के जितना मैं कर सकता हूँ आपको क्वेश्चन नहीं है किसी बड़ी गलत की बात है हमारे इतने क्वेश्चन था मेरे जो भी माइंड में आ रहे हैं उसके क्वेश्चन लास्ट नहीं पूछा गया ताकि तुम्हारे दिमाग में चीज़ें क्लियर हो गई है क्योंकि ये ऐसी चीज़ें कि फॉरन फॉरन निकल जाएगी और वो अब नहीं कर पाएंगे यार फुल फिल एफ पी ए समझ आ गया एफ पी ए कर एफ पी ए भी अच्छा एफ पी ए होता है फुल फिल्ड बाय अमेज़न अब हमारे पास इन्वेंट्री है जो कि मैंने जहाँ से बाई करी यूएस से मेरा यूएस में भी फिजिकल प्रेजेंस नहीं है सही है तो मुझे कहीं ना कहीं तो माल को स्टोर करवाना है यहाँ पे स्टोर हो जाए उसके बाद जब कस्टमर को ऑर्डर आएगा वहाँ से उसको रिव्यू होता है उस दो बेयर हाउस मुझे कम से कम मेरा कोई बेयर हाउस चाहिए जहाँ पे मेरा कोई अपना किसी रिश्तेदार करो वहाँ पर दिखा सकता तो ये डिफरेंट चीज़ें जो आप कर सकते हैं अगर मेरे पास कोई भी फिजिकल कोई और किसी का साथ नहीं है तो मैं बोलूँगा यार अमेजोन में भिजवा दे जब ऑर्डर आएगा अमेजोन खुद ही उसको पैक करके भेज देगा जब रिटर्न होगा अमेजोन खुद ही जाकर रिटर्न कर देगा जब डिलीवरी करने का अमेजोन खुद ही डिलीवरी कर देगा शिपिंग हो गया अमेजोन तो सब कुछ मैं अमेजोन के हाथ में दे रहा हूँ मुझे बिल्कुल मेरा दिमाग क्लियर हो गया रात को ऑर्डर आ रहे सुबह आ रहा है मुझे कोई फर्क नहीं पड़ा मेरा जो प्रोसेस चल रही है अमेजोन खुद ही मेरे ऑर्डर को ठीक करेगा मगर अगर आपके पास वेयर हाउस है अगर आपके क्लाइंट के पास किसी की वेयर हाउस है तो आप कहते हैं कि यार क्लाइंट आप अपने वेयर हाउस पे अपने घर पर ही मंगवा लो और फिर वहाँ से आप पैक करके शिफ्ट करके आप उसको भेज दें कस्टमर के पास तो यहाँ पे तो ये जो अमेजोन चार्ज करते हैं वो आपके पास सेव हो जाते हैं अब ड्रॉप शिपिंग हमेशा एफ बी एम की होता है क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में हम लोग अपफ्रंट कोई इन्वेंट्री नहीं खरीदते हम इन द फर्स्ट प्लेस उनकी चीज़ बाय कर ही नहीं करते हम लोग कब बाय कर रहे हैं जब हमारे पास ऑर्डर आ रहे हैं जब ऑर्डर नहीं है हम लोग कुछ खरीदे ये कोई बात है कि तरीके से हम एक ब्रोकर का काम करते हैं कि हमारे पास एक प्रॉपर्टी है हमने अपने हाथ उस प्रॉपर्टी में नहीं डाले हम एक स्टेट एजेंट का काम कर रहे हैं हम एक जगह से दूसरी जगह की व्यवहार है हमसे एक मीडियम का किरदार लग रहे हैं हम अपफ्रंट कोई भी कुछ भी नहीं ले रहे तो जो रिस्क है वो यहाँ पे बहुत मिनिमम है इन ड्रॉप शिपिंग और कोई कुछ नहीं अभी कोई क्वेश्चन तो बैठे क्योंकि ये चीज़ें ऐसी हैं कि अगर बाद में इनका आइडिया नहीं हो तो फिर बहुत सब आपने कहा कि एफबी जो है वो मतलब सारे ऑर्डर खुद फुलफिल कर सारे ऑर्डर खुद फुलफिल कर तो सर ये मुझे आप ये बताएं कि इसके क्लाइंट से ज़्यादा कोई क्लाइंट होता है तो उसकी डिलीव हम करेंगे या वो ये मतलब करेंगे क्लाइंट आता है इसके लिए ऑर्डर फुलफिल देखो अगर कौन सा क्लाइंट आया तो ये बोलेगा मुझे होलसेल की इन्वेंट्री और क्लाइंट के पास ऑफकोर्स वेयर हाउस में तो आप क्लाइंट आपको आपका सिर्फ काम होगा सिर्फ प्रोडक्ट को सेलेक्ट कर दो एक दफा प्रोडक्ट सेलेक्ट हो गई इन्वेंट्री चली गई अब आप सुकून से बैठा आपके ऑर्डर फुलफिल होगा अगर मैं यहाँ पे चीज देता हूँ टीम होती है आठ लोग भी तो वो अराउंड द क्लॉक काम करते हैं हमेशा इतने मतलब
प्रेजेंट होता है ये तो एक बहुत ही एक्टिव होता है। अगर आपको स्टिंग का ड्रॉप शिपिंग का बिजनेस करते हैं आपको सलाह दें, पर डेली के एक एक हज़ार ऑर्डर भी आ रहे हो एक एक स्टोर पर। टाइम से रिलेटेड अगर कोई क्वेश्चन है आज हम क्लास का इसी का बात नहीं कर रहे और सेलेक्शन। दूसरा हमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ ये होती है वेरिएशन।
एक ही गार्लिक प्रेस डिफरेंट कलर्स में जो है वो बेचा जा सकता है, रेड में भी, मैजेस्टिक रेड में भी, एम्पीरियल सिल्वर में भी, रॉयल गोल्ड में भी है। तो डिफरेंट कलर्स में जो है वो हमारे पास सेम प्रोडक्ट दिख रही है, ये उसकी वेरिएशन होगी। और ऑफकोर्स अगर किसी के वेरिएशन ज़्यादा है वो वेरिएशन की अपनी एक जो सेलिंग होती है वो। फॉर एग्जाम्पल अगर इसे सिल्वर लगा देंगे इसकी 5000 शेयर होगी, इसके इसके रेड के साथ गोल्डन के साथ इसकी सेल्स बढ़ के 2500 और मजीद हो जाए, क्योंकि ऑफकोर्स लोग अपना कलर्स को भी ना वो प्रेफर कर रहे हैं, लोग कलर्स को भी ना प्रेफर कर रहे हैं। मगर इस पर सबसे इम्पोर्टेंट डिसीजन हमें ये लेना होता है कि हम कौन सी वेरिएशन को देखेंगे। अगर ये चाइना से सोर्स करवा रहे तो ये कोई जरूरत नहीं करेगा कि ये ऐसी वेरिएशन लेकर आ जाए जो यहाँ पे सही है, उसको अगर आपको बहुत ही कम प्राइस पे सेल करना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं अगर इनकी प्राइस में कोई डिफरेंस आ रहा है, हम यहीं से अज्यूम कर सकते हैं कि ये जो प्रोडक्ट है वो सबसे ज़्यादा सेल हो रही है, इसीलिए उसकी प्राइस कम की सेल आएगी ताकि ज़्यादा यूनिट सेल हो, उसके यूनिट भी इसके पास ज़्यादा होंगे। हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी प्रोडक्ट जो है वो कम सेल हो रही है, या हम ये अज्यूम कर सकते हैं कि इसकी डिमांड ज़्यादा है मगर इसने यूनिट्स कम मंगाए, ऑफकोर्स इसने रेड कलर कम मंगाया है, इसने गोल्डन कलर थोड़ा और कम मंगाया है, क्योंकि इसको कम लोग प्रेफर करने वाले हैं, थोड़ा एक्सपेंसिव भी रखा है ताकि लोग इसको आराम से लें। ये ऑफकोर्स एक मॉल में लग रही है, थोड़ा सा प्रीमियम चीज है, तो लोग इसे ज़्यादा प्रेफर करेंगे। तो अपने माइंड में, अपने माइंड को बिजनेस के लिए ट्रेन करना है कि आप जब बिजनेस करेंगे तो आप कैसे बिजनेस करेंगे। अगर आप BS एक सक्सेसफुल BA बन गए तो ऑफकोर्स आप एक सक्सेसफुल बिजनेस मैन अपने आप को कंसिडर करना शुरू कर दें, क्योंकि जब आप इतने बड़े डिसीजन ले सकते हैं, जब आप एक डिसीजन लेते हो आपके पास अराउंड 20,000 एट स्टेक होते हैं। हमारे घर पे तो मानी 10,000 रुपये माने गए नहीं, मगर क्लाइंट का 50-60 लाख रुपये बहुत ईजिली एट स्टेक होता है आपके डिसीजन से। तो आपका एक बड़ा डिसीजन पूरे इन्वेस्टमेंट हुआ देगा और आप एक राइट डिसीजन उसको बहुत बड़ा प्रॉफिट करके देगा। तो आपको जो भी डिसीजन लेना है वो ऐसे लेना है कि आपको ये आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है। हमेशा याद रखना कि अगर सही तरह से काम करोगे ना तो प्रॉफिट हमेशा बनेगा। जब तुम एक तुम इन्वेस्टमेंट को सोचोगे ना कि ये मेरी अपनी इन्वेस्टमेंट है, जब हमारी पहली इन्वेंट्री गई थी, मेरी बिल्कुल पहले इन्वेंट्री जो बड़ी इन्वेंट्री थी और हम 30,000 डॉलर थी, तो मुझे रात को नींद नहीं आ रही थी, क्योंकि मुझे ये डर लग रहा था कि अगर इसकी अगर इसका लॉस हो गया तो मेरे ऊपर क्या मुझे क्या फेस होगा। ऑफकोर्स वो आपको ज़्यादा नहीं बाधा, बहुत ज़्यादा कुछ भी नहीं होगा, मगर आपको अपनी कमिटमेंट इतनी रखनी है कि आप जेन्युइनली कंसर्न हो कि यार इसकी इन्वेस्टमेंट है, हलाल की कमाई है, आप भी अपने लिए बेटर लाइफ स्टाइल चाह रहे हो, वो भी आपके लिए अपने लिए बेटर लाइफ स्टाइल चाह रहे हो। तो कोशिश ही करें कि जो भी डिसीजन है बहुत साउंड डिसीजन है। और ऑफकोर्स जब बिजनेस होते हैं रिस्क होते हैं, जब बड़ा रिस्क आप लेते हैं तो आपको उतना बड़ा रिटर्न मिलता है। अगर आप 15-20,000 डॉलर की इन्वेंट्री का रिस्क देते हैं तो अगर वो प्रॉफिट होता है आपको प्रॉफिट भी सारा 1,000 डॉलर होगा। यार मेरा एक इन्वेंट्री में तो मेरा 500 डॉलर का स्ट्रेट अवेलेबल होता है पहली इन्वेंट्री में, तो सर वो बिल्कुल बेहनस थे, मुझे कुछ भी नहीं पता था। और मैंने इनकी वेट कर दिया, मैंने इनसे एडवाइस भी करने का इस प्रोडक्ट को सही किया, मगर जब मैं जब प्रोडक्ट वहाँ पर पहुँची एक महीने बाद तो दूसरे सेलर जो मैंने प्राइस बहुत गिरा था, मैं खुद ऑनलाइन आर्बिट्राज करा था, उन्होंने होल सेल कर दिया, तो 500 डॉलर का स्ट्रेट अवेलेबल होता है। उसके बाद फिर हम 1-1.5 महीना रुके, पहले मैं अवेलेबल सुनी, तब हमने इन्वेंट्री ऑर्डर करी थी 13,000 डॉलर की, जो कि तकरीबन 4,000 डॉलर। इसमें लॉसेस के चांस अगर आपका गलत डिसीजन है तो 100% लॉस होगा, क्योंकि अगर आपने अमेजोन की कॉम्पिटिशन में देखो की या आपने ब्रांड की कॉम्पिटिशन में अगर आपने घुसा दिया आपकी इन्वेंट्री उठा दी, आप अमेजोन पे नहीं बेचें, आप मिठाई की दुकान खोलें, आप ईबे पे जाके बेचें, आप कहीं की और जाते हैं, अमेजोन पे बहुत इन्वेंट्री सेल नहीं होती। अमेजोन पे जो प्रोडक्ट रिसर्च जो चीज़ है वो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल चीज़ है, क्योंकि उसी पर पूरा डिसीजन बेस करता है। अगर गलत प्रोडक्ट होगी तो उसकी मार्केटिंग कोई भी नहीं कर सकता, ना वो प्रोडक्ट सेल। अगर तुमने अभी तक फ्रूट सेल करना या तुमने चुड़िया सेल करना शुरू कर दी 50,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट है तो वो कभी भी सेल नहीं होगा, क्योंकि amazon.com जो US की मार्केट है उसमें एक वो जो कंटेनर लाइन जो होती है उसको अगर आपको रैंक करवाने हैं अमेजोन के फर्स्ट पेज पर लेकर आना है, उसके लिए आपको अराउंड 70-80,000 डॉलर की इन्वेस्टमेंट चाहिए। एक मैं बता दूँ कि रैंकिंग से मेरा मतलब क्या था, हमारे पास एक प्रोडक्ट है गार्डनिंग का। अच्छा आप ये देखें कि ये प्रोडक्ट ज़्यादातर जो है वो सरस ये जो प्रोडक्ट है बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, कोई डिफरेंस नहीं है और बिल्कुल सेम प्रोडक्ट है, ये भी ऊपर नीचे सेम प्रोडक्ट है। और अगर आप यहाँ से नीचे जाते हैं आप तीसरे पेज पर भी चले जाएँ तो भी आपको सिमिलर प्रोडक्ट मिलेंगे, ये भी बिल्कुल सेम प्रोडक्ट,
मगर ये उतना सेल नहीं होनी चाहिए आपकी पहले पेज वाले से। तो रैंकिंग ये होती है कि आपकी जो प्रोडक्ट्स होती है जब आप एक कीवर्ड सर्च करो गार्डनिंग प्रेस तो वो कौन से पेज पे आ रही है। ये बात याद रखो कि जहाँ पे जो डेली सेल उसकी है दस मतलब मंथली सेल अराउंड 298 है। मगर अगर हम लोग बात करें पहले पेज पे तो पहले पेज की मंथली सेल 1300 होती है। तो अगर आपको ऐसी रैंकिंग का मतलब ये होता है कि अपने प्रोडक्ट को फर्स्ट पेज पे लेकर आना। जब आप फर्स्ट पेज पे लेकर आते हैं तो आपकी ऑर्गेनिकली का मतलब है कि नेचुरली सेल्स आना शुरू हो जाए। हम लोग काम प्राइवेट लेवल है बहुत कम करेंगे बेसिक में, क्योंकि प्राइवेट लेवल एक बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव बिजनेस मॉडल है। मैंने खुद अभी तक प्राइवेट लेवल में सिर्फ प्रोडक्ट रिसर्च करी और रैंकिंग करी है टीम के साथ। मैंने अकेले भी $50 का डिस्कशन नहीं किया, तो मैं प्राइवेट लेवल को लेकर बहुत ही कॉन्फिडेंट नहीं होगा। क्योंकि होलसेल के ऊपर हमने बहुत काम किया, हमने बहुत बड़े फ्रेंड्स सेल भी किए, तो होलसेल का हम यहाँ पर पड़ेगा ड्रॉप से। दूसरा आपके पास जो क्लाइंट आएगा वो जो प्राइवेट लेवल का क्लाइंट होता है क्योंकि वो अपना ब्रांड बना रहा होता है, उसके पास बहुत बड़ी तो वो एक नए सेलर को स्टार्ट में प्रेफर नहीं करता, क्योंकि उसके पास इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट है वो $50 करा रहे को हायर कर सकते हैं और उसका डिसीजन इतना बड़ा है कि वो एक बच्चे के हाथ में इतना बड़ा डिसीजन नहीं करता। आपको जो क्लाइंट्स मिलेंगे ज़्यादातर अभी वो होलसेल और ड्रॉप शिपिंग एंड मार्केट बाकी जो सर ये उन्होंने भी काम स्टार्ट किया था उनको माशाल्लाह मार्केट आपके उनके पास क्लाइंट्स हैं और ड्रॉप शिपिंग के क्लाइंट्स हैं। इस तरीके से आपको काम स्टार्ट किया था तो ड्रॉप शिपिंग मार्केट आपको होलसेल के क्लाइंट्स हैं। अपना प्राइवेट लेवल आपको प्राइस बहुत गिरानी होती है, ऑफकोर्स आपको गिरानी पड़ेगी ताकि लोग आपके बाय करें। जब आपका एक एक जगह का स्टेबल हो जाता है आपकी प्राइस को बढ़ाओगे ताकि आपका उतना एक अच्छा प्रॉफिट मार्जिन। अब ऑफकोर्स वही वाली मैंने बात की थी, ये बंदा अगर इसको $13 में बेचते हैं तो इसको कोई ना कोई इनकी असल सीधा है। ये बंदा अगर 10.95 बेचते हैं तो कोई ना कोई इसको 7 में भी बेच होगा, मगर ये इसको इसलिए इतना थोड़ा सा अपना प्रॉफिट मार्जिन बढ़ा रहा है क्योंकि आइडर इसकी सोर्सिंग इतनी समय इसको बहुत सस्ता मिलता है। दूसरा ये कि आप इसका प्रॉफिट बन चुके हैं और अभी आराम से आराम में प्रॉफिट कर सकते। दूसरा जब आप प्राइवेट लेवल का काम करते हैं तो कोशिश करें कि एक मिनिमम प्रॉफिट का अपना जो है वो मान जाओ बेचो। हमेशा दिमाग के अंदर ये वाली बात दिखा रहे हो कि ज़्यादा इन्वेंट्री बेचना बहुत बेहतर है छोटे मार्जिन से एज कम्पेयर टू सिर्फ 10 यूनिट बेचना उसका $100 का प्रॉफिट। बहुत महंगा लगा रहा है कि कोई बेरोगों को आगे खरीद जाएगा, उससे बहुत बेटर है कि आपसे $2 का प्रॉफिट रखो और 2000 दिवाल उससे आपकी कैश फ्लो जनरेट होना शुरू होगा। कैश की रोटेशन जिसको जो बिजनेस करते हैं जैसे प्रॉब होती है तो कैश की रोटेशन समझ आती है। कैश की रोटेशन बिजनेस में बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर कोई ये वाली अगर कोई क्लाइंट बात करते हैं $40,000 से कम तो आप कोई भी डिसीजन ये नहीं लगेंगे पहली इन्वेंट्री $40,000 की जाएगी, क्योंकि $40,000 की जब आप पहली डिसीजन देंगे तो वो इन्वेंट्री को अमेजोन वेयर हाउस आने में 20 दिन लगेंगे। जब वो इन्वेंट्री सेल होगी फिर 15 दिन बाद अमेजोन आपको प्राइस देगा तो वो प्राइस घूम के आपके पास जो $40,000 इन्वेस्टमेंट पहला जो डॉलर आपके पास उससे बनेगा वो अराउंड 1 से 1.5 महीने बाद मिलेगा। आप हमेशा $10,000 एक जगह पर लगाओगे $10,000 दूसरी जगह पर लगाओगे। इस तरीके से आपकी जो इन्वेस्टमेंट है आप उसको डाइवर्स कर दोगे ताकि डिफरेंट आपके पास प्रोडक्ट के अंदर इन्वेस्ट। ऑफकोर्स अगर एक बहुत सी प्रोडक्ट आप अंदर इन्वेस्ट कर सकते हो मगर कभी भी सारी इन्वेस्टमेंट लेके पास होते पहले क्लाइंट के साथ पूरी इन्वेस्टमेंट लेके कभी नहीं होता। अगर उसका $5,000 सिर्फ $500 से था सिर्फ 10 यूनिट दे पाओ कोई इन्वेस्टमेंट के बाद खुद प्रोसेस समझ आता है कब पेमेंट आती है कब पेमेंट नहीं करती कब क्या होती है। और दूसरा ये कुछ भी मसला हुआ क्लाइंट से हमेशा पूछ लो, क्लाइंट से पूछने में कोई शर्मिंदगी नहीं है क्योंकि उससे बहुत बेटर है कि आप क्लाइंट के लिए बड़े डिसीजन लो और आपको जॉब आपको फायर कर दो। इससे बहुत बेटर है कि आप क्लाइंट से एक चीज पूछ लो यार ये वाली चीज़ें समझ नहीं आई मेरे को। ऑफकोर्स आपके पास यहाँ पे एक्सट्रीम कॉमर्स का ग्रुप है, नेटवर्क ग्रुप है, इतने ग्रुप्स हैं और इतने आपके अपने क्लास के लोग हैं आपके पास मेरा भी होगा उससे पूछ सकते हैं तो आपको कोई मसला नहीं होगा। आपके पास सरफेस नॉलेज के लेकर आपको कोई इशू नहीं है और काफ़ी बिजनेस नॉलेज पर डीप जाके भी आपको कोई भी इशू नहीं होगा कि आपको वहाँ से डिसीजन लेना चाहिए। मगर अगर कोई ऐसी भी चाहे तो आप क्लाइंट से लाजमी पूछें, आप क्लाइंट से कॉन्वर्जेशन करें, अपनी कम्युनिकेशन को क्लाइंट के साथ करें। अगर आप क्लाइंट के साथ फ्रैंक बोल रहे हैं कि क्लाइंट आपको आपके नाम से जानते हैं तो याद रखें क्लाइंट आपको कभी भी फायदा नहीं होगा। क्लाइंट आपको हमेशा एक रिगार्ड है और क्लाइंट आपको हमेशा नाम से जाएंगे, क्लाइंट आपको आपके साथ फ्रेंडली होकर प्रोफेशनल होगी ऑफकोर्स बड़े फ्रेंडली होगी तो आप क्लाइंट के साथ मिलकर बड़े डिसीजन ले सकते हैं। कोई और क्वेश्चन सर बीए के बारे में बता दूंगा यार बीए वर्चुअल असिस्टेंट, लेकिन पूरा जो बिजनेस मॉडल मैं समझा रहा हूँ इसको बस हैंडल करना
अब बीए जो है वो प्रोडक्ट डिसेंस का भी हो सकता है, बीए रैंकिंग में लेकर के हो सकता है, बीए ड्रॉपशिपिंग का पूरा काम संभालने में दे सकता है, और बीए से आपका एक वेबसाइट बनाए तो ये बेसिकली मेजर है। यहाँ पे अगर कोई बोर्ड साफ करे तो वो यहाँ पे बी ए है, वो जा सकता है। तो ये बेसिकली सारे क्वेश्चन है। अब अगर तो मैं बिजनेस मॉडल का अंदाज इसमें देखा है तो आगे जाके अपने क्राइट रेस्टोरेंट करें तो अपने आप को बी ए अफकोर्स हमारी जॉब बी ए की, मगर अपने आप को हमेशा एक बिजनेस ट्रेन कंसिडर करना है, प्राइमरी काम करो ये समझना कि आपकी अपनी इन्वेस्टमेंट है, क्लाइंट में से एक इन्वेस्टर है से, ताकि ये कि आपका काम मेरा स्मूथ चला। उससे मुझे क्लाइंट हंटिंग के बारे में बात करनी, क्लाइंट आपको हर जगह मिल जाएंगे, आपको फाइवर पे मिल जाएंगे जो बिग रैंक करना सिखाएंगे, आपको अपर पे मिल जाएंगे आपको कवर लेटर्स देने के जिससे आप क्लाइंट मिल कर सकते हैं, आपको फ्री आंसर से क्लाइंट मिल जाएंगे, आपको फेसबुक से भी क्लाइंट मिल जाएंगे। फेसबुक में सिर्फ आपको ये करना है कि आपके जो भी पोस्ट आते हैं आपको उनके अंदर कुछ टेक्निकल टर्म्स को लेकर आपको कमेंट्स करेंगे। वैसे दो तीन लड़कों को जानता हूँ जो किसी भी प्लेटफॉर्म पर साइन अप नहीं किया, सिर्फ फेसबुक के ग्रुप्स पे उन्होंने रिप्लाई करके पोस्ट का या क्वेश्चन का उन्होंने अपने इनबॉक्स में आगे क्लाइंट, उनके इनबॉक्स में आए कि यार मेरे पास इतनी इन्वेस्टमेंट है, मुझे तो हमारी फाइन नॉलेज कुछ लग रही है और बॉल का बात करते हैं समझ रहे हैं तो मैं और लड़कियाँ ये काम बहुत अच्छे से कर सकती हैं क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन सिर्फ कंपेरेटिवली बेटर होती है लड़कों से और ज़्यादा अच्छे से काम भी करते हैं। जहाँ तक मैंने देखा हम लड़के जो हैं वो ज़्यादा पैसे के बूते होते हैं, लड़कियाँ थोड़ा सा काम अच्छे से कर लेती हैं। तो टूल्स का यही बताया टूल्स बेसिकली प्रोडक्ट रिसर्च को सिर्फ स्पीड अप करने के, टूल्स अभी तक इतना टेंशन नहीं है, टूल्स हमें डिटेल में जाके टूल को जाके एक्सप्लोर करेंगे, टूल्स अभी सिर्फ स्पीड अप करने के लिए हैं प्रोडक्ट रिसर्च। तो अभी हमारे टूल्स का भी काम है, जब हमें प्रोडक्ट सेंड करेंगे तो टूल्स का है, जहाँ टूल्स की अवेलेबिलिटी की बात है वो भी मैं डिस्कस करूँ उसके बारे में कुछ अपडेट कर नहीं सकता क्योंकि डिस्कशन हो रही है जितना हम लोग बेहतर से बेहतर करते हैं। कोई और क्वेश्चन है यार ड्रॉप शिपिंग ये है कि मेरे पास एक ऑर्डर आया अमेजोन से, पहले मेरे पास ऑर्डर आया मेरे पास अपफ्रंट उसकी जो ऑर्डर है मेरे पास ये पड़ा भी नहीं है बिना पेरा उसको, मैंने ये देखा कि ये वॉलमार्ट में बहुत सस्ते में मिल रहा है, मैंने वहीं से ही प्रोडक्ट ऑर्डर करिए, मैंने कहा कस्टमर का एड्रेस यहाँ ये आपके पास ड्रॉप शिपिंग। अच्छा इसमें जरूरी नहीं कि सर वॉलमार्ट आपके पास ऑथराइज डिस्ट्रीब्यूटर भी हो क्योंकि हम लोग अलाउ कर सकते हैं, तो हम लोग बात करते हैं ड्रॉप शिपिंग ड्रॉप शिपिंग ये क्या है, मेरे पास एक बहुत अच्छी दुकान खुली हुई है और ना किसी के पास मेरे पास कॉल है कि यार ये वाला दूसरा पेज है मैंने वही लाइट ऑफ कर दिया और आगे कोई और टाइम को लेके कोई क्वेश्चन है कि तरीके से टाइम को काम करना सर इसमें सबसे सेफ साइड क्या है, मतलब लॉस के चांसेस कहाँ कम होते हैं? सबसे सेफ साइड है वो होलसेल है, उनके जो ड्रॉप शिपिंग है वो अपफ्रंट इन्वेंटरी होनी चाहिए, रिस्क भी है, अगर ड्रॉप शिपिंग में जो अमेजोन की पॉलिसीज की वायलेशन होती है वो बड़ा इशू है, तो आपको उससे भी बचना, आपको ड्रॉप शिपिंग जो असल ड्रॉप शिपिंग होती है रिस्क भी वो बहुत मुश्किल से कोई एस्टैब्लिश होता है, तो ड्रॉप शिपिंग बहुत अच्छा प्रॉफिट वाले इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए, सुनके बड़ा यूटिलिटी का काम करेगा ड्रॉप शिपिंग करेगा बहुत अमीर हो जाएंगे, मगर ड्रॉप शिपिंग बहुत रिस्की है अगर आप उसको बगैर किसी लाइन ऑफ एक्शन पर काम करेंगे। तो होलसेल सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल है अगर आपने प्रोडक्ट की रिसर्च सही है, अमेजोन की इम्पैक्ट अपने जो अमेजोन के पास इन्वेंट्री भिजवाते हैं एफपीए से करते हैं अमेजोन उन सेलर्स को ज़्यादा प्रेफर करते हैं क्योंकि ऑफकोर्स जब आप अमेजोन के पास इन्वेंट्री भिजवाते हैं अमेजोन को एक फीस दे रहे हैं, तो जब अमेजोन के पास एक एक सेलर एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं एक सेलर अपने पैसे जो है अमेजोन उनको प्रेफर करके देंगे उसको कुछ एक्स्ट्रा पैसे दे रहे हैं, तो अमेजोन एफपीए वाले को ज़्यादा प्रेफर करता है बाय बॉक्स रिलेशन में, तो जिनकी बाय बॉक्स जिनके पास ज़्यादा बाय बॉक्स आते हैं वो उसे एफपीए के सेलर सही है।